लपेट लूं, इसको लपेट लूं दीवार को। जप्पा जप्पा की इकड़े कुठे झोपलाय तू आज? कुठे गेली तुझी गादी? आंबाला गेली? गादी आमच्या आधी आंबाला गेली। आणि कृष्णा तो इथे झोपलाय चादर आतून। भारी वाटतंय ना तुला? दुसऱ्या रूम मध्ये पण झोपलाय क्रिशा आज, है ना? इकडच्या रूम मध्ये झोपलाय क्रिशा आज। आता मिल्क पितो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई क्या पता इकड़े बच्चे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे भी उठ गए थे और हम लोगों का फाइनली जो सामान था वो चला गया है। बहुत कम सामान बचा है, वो भी हमारा नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत हमारा था, मतलब जो टिफिन के बॉक्स दिख रहे हैं तो थोड़े बहुत कुछ सामान मेरा था और बाकी का सारा सामान इंडक्शन कढ़ाई वो सब कुछ इनके फ्रेंड मतलब दे के गए थे, क्योंकि सारा सामान तो चला गया है, हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है तो भेज दिया था एक दिन पहले। उसका वीडियो मराठी शादा पे आ जाएगा, आपको मिल ही जाएगा, मतलब दिख ही जाएगा कि सामान कैसे हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था, क्या हो गया था वो सब कुछ। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है पत्ता गोभी की, बच्चे भी उठ गए थे, फिर उनको मिल्क दिया, फिर नहलाया और सब कुछ, फिर खेलने लगे। पत्ता गोभी की सब्जी सिंपल सी बनती है, ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे आरो भी मतलब सब कुछ सामान चला गया है, तो जो पीने का पानी था वो मैंने ऐसे बॉटल में बहुत सारा भर भर के रखा था, और एक बॉटल दिया था बड़ा वाला जो 20 लीटर्स का होता है, उनके फ्रेंड ने दिया था तो वो भी भर के रखा था। तो उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं ये वाले छोटे छोटे बॉटल भर के रखे थे, जैसे जिसको भी चाहिए वो पी सकते। तो यहाँ पे बच्चे कुछ ओम करके कर रहे थे, जैसे स्कूल में ये लोग करते थे ना, वो मेरी बेटी करती रहती है घर में, मतलब जिस दिन उसको याद आएगा ना, हाँ स्कूल में ये करते थे एक्सरसाइज, कुछ भी जो भी करते हैं, योगा करते हैं उनके स्कूल में, तो वो सब कुछ घर में उसके भाई को सिखाती रहती है। तो यहाँ पे पत्ता को भी मैंने काट के लिया है, अभी अच्छे से भून के मैं मसाले वो सब कुछ ऐड करूँगी। पूरी सब्जी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कुछ काम करने थे, तो मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप मैंने ऐड किए हैं, मतलब शूट किए हैं, वही मैं अपलोड करूँगी। क्योंकि ये वाला दिन ना, मतलब बैंगलोर का मतलब हम लोग दूसरे दिन जाने वाले, तो एक दिन पहले का ये वीडियो है, मतलब जो यादें होती है ना वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी शूट करके मैंने अपलोड करने की कोशिश की है। तो ये हमारा मतलब लास्ट डे बोल सकते हो आप किचन में। दूसरे दिन तो मैंने बस मॉर्निंग में खाना बनाया था, मॉर्निंग का एक ही टाइम बनाया था, मॉर्निंग और आफ्टरनून का दोनों। तो यहाँ पे मैं भी खाना खा रही थी, बच्चे भी खा के खेल रहे थे यहाँ पे। तो क्रिश और प्रगति ने तो खा लिया था, मेरे हस्बैंड ने बहुत लेट खाया था, ट्रांसफ़र होता है ना बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सिलेंडर वापस करना पड़ता है, सब कुछ, मतलब एक एक चीज़ अच्छे से सब कुछ होनी चाहिए, बहुत टेंशन था पता नहीं। फिर सब कुछ काम करके ये आ गए थे, इनको पत्ता गोभी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी थी तो थोड़ी सी ही खाई थी, और बस एक राइस भी बनाया था मैंने, तो फ्राई राइस तो वो भी खा लिया था। फिर इन्होंने बच्चों ने भी फरमाइश की कि ये फ्रेंच फ्राइज बना लो, इतने अच्छे से तो मुझे नहीं बनाना आता है, और घर के इतने अच्छे बनते भी नहीं है, पता नहीं वो क्रिस्पी टाइप के नहीं बनते, तो थोड़े से ऐसे काट काट के इन्होंने फ्राई करके दे दिए थे। फिर मैंने मूंग बचे थे मेरे पास थोड़े से, तो वो मैंने भिगाने के लिए डाल दिए थे, मैंने सोचा पता नहीं क्या बनाऊँ इसका, तो मैंने ऐसे मूंग भिगा के फिर उसमें प्याज, थोड़े से मूंगफली भी भिगा के डाल दी थी, टमाटर, प्याज, हरा धनिया होता है तो वो भी डाल सकते हैं, चाट मसाला थोड़ा सा ऐसे करके मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च
वो काट के डाली थी, खीरा भी डाल सकते हो आप, बहुत अच्छा लगता है, वो सैलड टाइप का ही हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, मेन चीज़ है हेल्दी होता है और अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा नमक डाल दो, जो काला नमक होता है वो भी डाल सकते हो, जो सादा नमक बोलते हैं ना जो व्रत में खाते हो वाला, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो अपना होता है ना सॉल्ट, क्या बोलते हैं टाटा सॉल्ट या जो भी, जो वाइट पूरा वाइट जो सब्ज़ी में यूज़ करते हो वो वाला डाला था। तो यहाँ पे ये फ्राई करके दे रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे, वो भी खा रहे थे। थोड़े से चार आलू के कुछ बनाए थे इन्होंने और बहुत अच्छे भी लगते, तो खा लिए बच्चों ने। और ये भी खाया था, मूंग का बनाया था जो सैलड, वो भी बनाया था तो वो भी खा लिया था सब ने। तो बहुत अच्छे से हमारा इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हो वो बन गया था और बहुत सारा इंजॉय भी किया बच्चों ने, क्योंकि ये सब कुछ बनता है ना, मतलब ऐसे आलू का कुछ ना कुछ बनता है ना, तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। जैसे आप पकौड़े बोलो, ये इस टाइप का जो तल के दिया था उस टाइप का, चिप्स बोलो, बच्चे बहुत मज़े के साथ खा लेते हैं। आलू बहुत पसंद होते बच्चों को तो खा लेते हैं। तो ये फाइनली तैयार हो गया है, मैं लेके जाऊंगी दूसरे रूम में और खाएंगे। फिर थोड़ा बहुत काम भी करूंगी क्योंकि बहुत कुछ फैला हुआ है मेरे घर में, मैंने सारा शूट नहीं किया है। दूसरे वीडियो में आपको दिख ही जाएगा जो मराठी चैनल पे आएगा वो वाले। तो ये घर वाले फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी है, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बच्चों ने तो चाट मसाला भी डाला था, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो आलू बचे हैं वो भी फ्राई करके ले रहे हैं हस्बैंड और वो उड़ रहा था तो इतना पीछे मतलब हो रहे थे वो, क्योंकि वो पानी में डाल के रखे थे ना आलू, तो डालने के बाद special food. आवडले क्रिशला? कुणी बनवले? मी बनवले, मी बनवले क्रिश। असं काय करत आहे तुम्ही? या दोघ पण असं काय करत आहे? मी बनवले, मी सॅलड बनवलंय मग क्रिश। चला मग तिकडच्या रूम मध्ये, ही प्लेट राहिली इथंच। इकडे बघा कागद, इकडे बघा आमची रूम एकदम मोकळी मोकळी रूम। इकडे कचरा आमचा पडलाय, अंधार आहे। तो शाम के टाइम मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाया था बालों में, जो पतंजलि का होता है वही लगाया था मैंने, पतंजलि का मेहंदी। मैंने सोचा चलो यहीं पे फिनिश कर दो, क्योंकि एक पैकेट तो खा मतलब लेके जाने से बेटर है कि लगा लो बालों में। और क्या क्या लेके जाऊँगी, बहुत कुछ सामान मतलब पैक किया था, फिर भी देखो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत सारा कुछ फैला हुआ है, वो भी मैं भरूँगी बैग में। कुछ पैकिंग किया था मैंने, कुछ बचा है बच्चों के बुक्स वो भी लेके जाऊँगी, इधर उधर फैले हुए हैं। नीचे भी कुछ बैग से वो भी भरने हैं। फिर उसके बाद मैंने बनाया था डिनर, डिनर सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि शाम के टाइम इतना ज़्यादा खा लिया था तो भूख नहीं थी, तो सिंपल ही बना था। क्या बना था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन शायद रोटी और सब्जी या राइस बना था, कुछ राइस ही बना था। तो यहाँ पे देख सकते हो नाइट में मैं दिखा रही हूँ कितना कुछ फैला हुआ है। और फिर डिनर का मैंने शूट नहीं किया है, इस वाले रूम में भी देख सकते हो इधर थोड़ा बहुत कुछ सामान है। फिर बच्चे भी मूवी देखने के लिए बैठ गए थे पापा के साथ, फिर डिनर हो गया था हम लोगों का। फिर क्लीनिंग और सब कुछ करके मैंने किचन साफ़ कर दिया है, ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरा बैंगलोर का ये लास्ट वाला वीडियो
मतलब लास्ट वाला कुकिंग भी बोल सकते हो आप, लास्ट वाला वीडियो भी बोल सकते हो, और एक आएगा बस वो मराठी चैनल पे जाएगा, उसमें भी आपको थोड़े बहुत क्लिप्स सामान कैसा भेजा है वो सब कुछ दिख ही जाएगा मराठी शारदा लॉक्स के ऊपर। तो ये नाइट का व्यू है, बहुत अच्छे से दिखता है किचन की खिड़की से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मराठी शारदा को भी सब्सक्राइब कीजिए।